सो गाइज, आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग, वो भी लाइटरूम ऐप से, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं बेहद सिंपल तरीके से। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना होगा। देन गाइज, ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस प्लस वाली आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद अपनी फ़ोटो को यहां से ऐड कर लेंगे। जैसे ही गाइज आप फ़ोटो को ऐड करेंगे, ऑल फोटोज़ में आपकी ये फ़ोटो आ जाएगी। तो ऑल फ़ोटो पे हम लोग क्लिक करके इस फ़ोटो को यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन गाइज, सिलेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से ऊपर आएंगे और आप लोगों के सामने यह वाला ऑप्शन मिल जाएगा लाइट वाला, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको इसकी हाईलाइट को डिक्रीज कर देना होगा और यहाँ इसकी शेडो को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे हम लोग, और इसकी ब्लैक्स को हम लोग डिक्रीज कर देंगे। देन गाइज, आपको ये भी सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से हट जाना होगा। तो हमारी लाइट जो है एडजस्ट हो चुकी है, तो लाइट को सही कर लेने के बाद आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ये वाला कलर्स वाला ऑप्शन। देन गाइज, इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सेटिंग ये करना होगा, इसकी वाइब्रेंस को हम लोग 50 कर लेंगे, अराउंड 53 कर लेंगे इसकी वाइब्रेंस को। देन गाइज, वाइब्रेंस को क्लिक इसकी 53 कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से कोने में आपको मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देन गाइज, क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से सिंपली ग्रीन कलर को यहाँ से हम लोग ले लेंगे, और ग्रीन कलर को लेने के बाद इसकी हू को हम लोग डिक्रीज कर देंगे और इसकी सिचुएशन को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग येलो कलर को यहाँ से ले लेंगे, और लेने के बाद इसकी भी ह्यू को हम लोग डिक्रीज कर देंगे और सिचुएशन को ऐसे इंक्रीज कर देंगे। देन गाइज, इंक्रीज कर देने के बाद आपको अपनी फेस वाले कलर को यहाँ से ले लेना होगा और इसकी सिचुएशन को ऐसे हम लोग डिक्रीज करेंगे और इसकी ल्यूमिनेंस को ऐसे इंक्रीज कर देंगे। देन गाइज, ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से अपनी ब्लू कलर को ले लेना होगा, और ब्लू कलर को लेने के बाद इसकी सिचुएशन को हम लोग फुल्ली इंक्रीज कर देंगे। देन गाइज, इंक्रीज कर देने के बाद आपको एक्वा ब्लू कलर को ले लेना होगा, ये वाला, और यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी ह्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे और सिचुएशन को भी इंक्रीज करेंगे। देन गाइज, जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे आप लोग देख सकते हैं आपकी स्काई जो है ब्लू कलर की हो चुकी है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से डन वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आपकी फ़ोटो पहले से बेहतर हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसकी क्लियरिटी को ऐसे हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, 20 कर लेंगे, और थोड़ा सा इसकी विग्नेट को हम लोग डिक्रीज करेंगे। देन गाइज, इसके बाद आपकी फ़ोटो इस टाइप से हो जाएगी। तो हम लोग इसके नीचे वाले टूल्स पर क्लिक करेंगे, ये वाला टूल्स जो है, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से इसकी शार्पनिंग को ऐसे इंक्रीज कर लेना होगा, और नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज कर लेंगे, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। देन गाइज, ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको जो भी एडिटिंग था कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा था उस टाइप की हम लोग की फ़ोटो नहीं है। तो उस टाइप की करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको ऐसे ऊपर आना होगा, और ऊपर आने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको इस वाले बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से आर्टिस्टिक पे हम लोग क्लिक कर देंगे। देन गाइज, जैसे ही आप आर्टिस्टिक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपकी फ़ोटो देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग कम कर लेंगे, 70 कर देंगे। देन गाइज, 70 कर लेने के बाद आपको यहां से डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग कर लिया है, वो भी बिल्कुल इजी स्टेप में। और इस फ़ोटो को सेव करने के लिए इस शेयर वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देंगे, और हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।